हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 19.1 केसी सिन्हा बुक से क्वेश्चन नंबर जितना पीछे हो गया था बस उसके जस्ट आगे वाला थिंग। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम 16 से 20 तक बता चुके थे, तो आज देखेंगे 21 के बाद क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं करना है तो क्वेश्चन लिमिट में देखेंगे। तो फिर चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा दो पार्ट है, ठीक है। इसका फर्स्ट है और सेकंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पीछे बोर्ड पे लिख दिया है, तो उसका सोल्यूशन आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से इसका सोल्यूशन देखेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखें। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए पहले से सब कुछ तो ऐसे ही ठीक ही है, तो इसको करना कुछ नहीं है, बस सभी को सेपरेट कर लीजिए अलग अलग। 4e^3x + 1 इसका क्या करना है, इसके साथ हमको इंटीग्रल निकालना है। तो 4 हमारा इसमें कॉन्स्टेंट है, गुणांक में है, तो 4 को बाहर रखते हैं। इंटीग्रल निकाल लेंगे सिर्फ e^3x का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। प्लस है तो प्लस दे दिया हमने, इंटीग्रल ऑफ 1 है तो 1 का इंटीग्रल निकालना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो आइए इसके बाद देखते हैं, 4 मेरा गुना में था, 4 दे दिया हमने गुना। e^3x का इंटीग्रल क्या होगा, e^x का इंटीग्रल होता है e^x ही होता है, जितना रहेगा पावर में। और देख लीजिए एक्स का गुणांक हमारा क्या है, 3 है, तो इसको 3 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, अगर x का गुना जो होगा इसका, तो वो उससे हम भाग दे देंगे इंटीग्रल में, ठीक है। तो यहाँ dx का मतलब 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष क्या हो जाएगा हमारा, x, और प्लस लास्ट में क्या ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट। तो इसको आप सीधे सरल रूप में लिख लीजिए ऐसे करके, 4/3 e^3x + x + c। तो दोस्तों यही रहा हमारा 21 का फर्स्ट का सोल्यूशन, तो आइए सेकंड का सोल्यूशन भी देखते हैं। दोस्तों हमारा 21 का सेकंड क्वेश्चन ये रहा, इसका इंटीग्रल निकालना है, बहुत ही ईजी है। देखिए इसका इंटीग्रल आप कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन देखिए। इंटीग्रल e^x का इंटीग्रल क्या होता है, e^x ही होता है, लेकिन x का जो गुणांक है उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो सीधे आप e^x इसको अगर x मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल e^2x + 3। लेकिन x का गुणांक हमारा क्या है, यहाँ 2x का गुणांक है, तो आप 2 से भाग दे दीजिए और बस हो गया यही। तो यही हो गया हमारा आंसर, एक ही टर्म में आ गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं, अब ये था 21 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में हमारा कहता है x^3/2 + 2e^x - 1/x। तो सभी का इंटीग्रल मालूम ही है आपको, ये क्या है, x^n के टर्म पे है, ये है e^x के टर्म पे, ये है 1/x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या करने के लिए, इसको पहले कर लेते हैं सेपरेट, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से इसका होगा सोल्यूशन। x^3/2 का इंटीग्रल x के सापेक्ष, प्लस है, प्लस दे दिया हमने, 2 गुणांक में है, कॉन्स्टेंट है गुना में, तो इसको सिर्फ e^x का इंटीग्रल निकालना है x के सापेक्ष। फिर उसके बाद माइनस है, इंटीग्रल किसका निकालना है, 1/x का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिए अब x^n का इंटीग्रल क्या होता है, क्या करते हैं उसमें, 1 जोड़ देते हैं और 1 जोड़ के भाग दे देते हैं, 3/2 + 1 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 को रहने दीजिए। e^x का इंटीग्रल क्या होता है, e^x ही होता है, x का गुणांक 1 है, रहने देते हैं, भाग नहीं देना है इसे किसी चीज़ से, माइनस है तो माइनस दे दिए। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ x, ठीक है। तो इसको दे देते हैं लॉग ऑफ मोड ऑफ x, और लास्ट में हम कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो आइए अब 3/2 में हम 1 को जोड़ने का करते हैं प्रयास। तो देखिए 3/2 में हम 1 जोड़ते हैं तो हो जाता है 5/2, और नीचे में भी होगा 5/2। 5/2 को आप सीधे पलट लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/5, और x का पावर 5/2 प्लस 2e^x और माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ x, ठीक है, प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं अपना 23 नंबर क्वेश्चन को, बहुत ही फास्ट पीछे रहा हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2x² + e^x, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन 1 या 2 लाइन में होने वाला है। तो लाइन थोड़ा बढ़ाने के लिए इसको कर लेते हैं सेपरेट, 2 है गुना में, इंटीग्रल किसका निकालना है, सिर्फ x² का, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, इंटीग्रल क्या इसका निकालना है, e^x का, x के सापेक्ष। तो चलिए इंटीग्रल निकाल लीजिए, 2 है तो रहने दीजिए, गुना x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 जोड़ के पावर दे देंगे और 1 जोड़ के नीचे में भाग दे देंगे पावर में, ठीक है, और प्लस e^x का इंटीग्रल e^x ही होगा, लास्ट में हम कोई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। तो इसको आप सीधे तरीके से लिख सकते हैं, 2/3 x³
प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को, लिखते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका किसके सापेक्ष निकालना है, इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। तो आइए इसका भी सोल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से देखते हैं। तो इंटीग्रल निकालने के लिए सभी को कर लेते हैं हम सेपरेट, सभी को कर लेते हैं अलग अलग। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स का इंटीग्रल जहाँ तक कि पता है माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो प्लस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं करना है। तो इसको आप पहले पॉजिटिव वाले को लिख लीजिए, साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी। आप यहाँ तक भी आंसर को छोड़ सकते हैं, या फिर सही रूप में लाने के लिए यहाँ भी ला सकते हैं। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 2-3 साइन एक्स बट कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रल निकालना है। डिफिकल्ट नहीं है ये, बहुत ही ईजी है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका देखते हैं। बिल्कुल ही ईजी है, सभी को अलग अलग कर लीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 2 cos² x - 3 sin x बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर एलसीएम लीजिए आप, बात हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 और क्या है फिर 1 cos² x, ठीक है। 2 को आप भूल जाइए, 1 cos² x क्या होता है फॉर्मूला, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 sec² x, ठीक है। इसका किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ले लेते हैं माइनस। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ, कॉस एक्स गुने कॉस एक्स, दो बार गुना करेंगे आपस में। तो 3 तो इंटीग्रल ले लेते हैं, जैसे 3 लिया हमने, फिर साइन एक्स, और नीचे में एक कॉस एक्स अगर रहने देते हैं, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स गुने 1 cos x, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए इसी को, इस कॉन्स्टेंट है इसको बाहर में ले लेते हैं। तो क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है हमारा, 3 ले लिया हमने। तो साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और 1 cos x क्या होता है, sec x, मतलब sec x गुने टेन एक्स, ठीक है, sec x गुने टेन एक्स। इसका क्या करना है हमको, x के सापेक्ष इंटीग्रल निकालना है। तो दोस्तों देखिए हमारा sec स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल होता है, तो ये होता है हमारा टेन का इंटीग्रल, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, टेन एक्स, और माइनस है यहाँ, तो माइनस दे दिए हम, और 3, और sec x इंटू टेन एक्स, ये किसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रल होता है हमारा sec x। तो माइनस 3 है और इसका इंटीग्रल होगा sec x, तो sec x हमने लिख दिया, और प्लस लास्ट में हम कोई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा आंसर, 2 tan x - 3 sec x + c, यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों आज गर्मी बहुत है, इसीलिए आज रहने देते हैं इतना ही क्वेश्चन। तो आज का वीडियो, आज का सलूशन आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में, और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।